हिमाचल प्रदेश के बुशहर रियासत के राजा एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधायक पुत्र विक्रमादित्य सिंह की रिसेप्शन पार्टी में लोगों का काफी हुजूम उमड़ा। दिन भर रामपुर के पदम पैलेस में धाम और रिसेप्शन पार्टी का क्रम चलता रहा। लोगों ने अपनी खुशी का इजहार ढोल नगाड़ों के साथ साथ बकरे ले जाकर नाच गाकर किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बुशहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की रिसेप्शन पार्टी और धाम रामपुर पदम पैलेस में हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग बाजों गाजों समेत नाच गान करते हुए पहुंचे। कई क्षेत्र से गाजे बाजे के साथ आए लोगों ने बकरे भी साथ लाए और खुशी में बकरे काटे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को राजा वीरभद्र सिंह अपने बेटे विक्रमादित्य और बहू सुदर्शना सिंह के साथ शाही शादी के बाद पहली बार पदम पैलेस में पहुंचे थे। इस अवसर पर वीरभद्र सिंह की पत्नी एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह सहित कई उनके निकट रिश्तेदार भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने जहां शाही घराने के युगल को उपहार दिए, वहीं सेल्फी लेने में भी गुरेज नहीं की। इस शाही धाम में भारी हुजूम उमड़ा और पदम पैलेस का मैदान पूरा भर गया। किन्नौर, रोहड़ू और आसपास से भी लोगों ने वाद्य यंत्रों की धुनों में नाचते हुए पदम पैलेस में एंजॉय किया। इस दौरान लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत उनके परिवारों का फूल मालाओं से भी खूब स्वागत किया। बता दें कि हाल ही में विधायक विक्रमादित्य सिंह का विवाह राजस्थान के उदयपुर राज परिवार की बेटी सुदर्शना सिंह के साथ हुआ है। बुशहर रियासत के 103वें राजा वीरभद्र सिंह ने इस विवाह को पूरी तरह शाही अंदाज में मनाने का बंदोबस्त किया था। इस शाही विवाह के रस्मों को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। गत दिवस भी वहां पर धाम और रिसेप्शन पार्टी का दौर चलता रहा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आए, जबकि शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह व उनकी नई नवेली दुल्हन मंच पर खड़े होकर लोगों का उपहार और अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखे।